वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में नेगेटिविटी आने का कारण वास्तु को माना जाता है, जिसके कारण आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच मनमुटाव का बढ़ना या लड़ाई झगड़े होना। यह सब होने का मुख्य कारण घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी का होना है, या फिर लोग घर की सफाई को लेकर सतर्क नहीं रहते। ऐसे में घर में नेगेटिव एनर्जी का आना तो संभव ही होता है, जिसे कई लोग बुरी नजर भी कहते हैं। अगर आपके घर में ही ऐसा माहौल बन रहा है तो इसके लिए आज हम आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं। वहीं हमारे ग्रंथों में इस छोटे छोटे उपाय दिए गए हैं, जिनसे हम अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को आसानी से दूर कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि किसी बड़े पूजा या कर्म कांड की जरूरत हो, बहुत छोटी छोटी चीजों से भी हम अपने घर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। आपको बता दें कि उपाय बहुत लंबे या रोज करने वाले नहीं है, इन्हें सिर्फ 7 से 10 दिनों के बीच में एक बार करना होगा। आइए अब आपको बताते हैं 3 उपायों के बारे में। जी हाँ, बात करते हैं पहले उपाय, घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए घर में अशोक के पेड़ के 7 पत्ते ले आएं। लेकिन ध्यान दें कि ये पत्ते कटे फटे ना हो और इन्हें धोकर घर के मंदिर में रख दें। लेकिन ध्यान रखें, जब ये सूख जाएं तो इन्हें बदल दें। वहीं आपको बता दूं कि इस पेड़ का नाम अशोक इसलिए है क्योंकि ये शोक यानी तकलीफों को दूर करता है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। इसके अलावा आप घर की सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए घर में एक नारियल खरीद ले आएं, उसे अपने हाथ में लेकर पूरे घर में घूमें, फिर घर के मंदिर में उस नारियल को रख दें। अगली सुबह उस नारियल को किसी तालाब या नदी में अपनी मनोकामना कहते हुए बहा दें। बहाने के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मकता बनी रहेगी। वही बात करते हैं तीसरे उपाय की। वही घर में सप्ताह में एक दिन पोछा अवश्य लगाएं, पानी में नमक मिलाकर ही लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि ये पोछा आप गुरुवार को ही लगाएं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।